झारखंड में विपक्षी महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा में अभी देरी है। फिलहाल इसे लेकर दावेदारी का दौर चरम पर है। सबसे ज्यादा झगड़ा गोड्डा की सीट पर है। झारखंड विकास मोर्चा की निगाहें इस सीट पर पड़ने से कांग्रेसी खेमे में हड़कंप मची हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी से मिलने पहुंचे। सीटों को लेकर जारी सिर फुटौल पर लंबी चर्चा के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने आए। मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने महागठबंधन सहित देश के मौजूदा हालात पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बाबूलाल जी ने विपक्षी एकता को बड़ी मजबूती दी है। हेमंत स्वानंद हमारे पार्टी के विपक्षी एकता के एक मजबूत स्तंभ है, विपक्ष के नेता है। लालू जी का पार्टी भी इक्वली इफेक्टिव है हर अपने अपने पॉकेट में। तो ये चारों गठबंधन चुनावी राजनीति में भले ही एक साथ हैं, लेकिन जो लेफ्ट फ्रंट है, हम लोग जो भाजपा के खिलाफ जो एकजुटता का संघर्ष दो ढाई साल हम लोगों ने चलाया था मिलकर के, उसमें उनकी भी वही सम्मान वही मर्यादा है। होता है जब सीटों के बारे में चर्चाएं होती हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी तो पार्टी भी चाहती है, पार्टी के वर्कर भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर हम लड़ें, एक स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने जीत के मानक को आधार एक बना रहे हैं कि भाई जीत कहाँ हम सकते हैं, कौन जीत सकता है, इन सारी चीज़ों पर होगा बारीकी से हम सब लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिससे लड़ाई लड़नी है वो भी कमज़ोर नहीं है। तो इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है, और इस प्रकार की जब गठबंधन होता है तो विलम्ब होता है। ये पहली दफा हो रहा है, ऐसा नहीं है पहले भी होते रहा है, लेकिन अब मानते हैं समय पर सब कुछ हो जाए। सर ये गोड्डा सीट को लेकर सर जिस तरह से नहीं गोड्डा ही नहीं, हमने कहा कि भाई हम लोग पूरी 14 सीट के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, एक एक सीट के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। अब नेता चाहे दावे कुछ भी करे, लेकिन बिहार की तरह सीटों का झगड़ा झारखंड में भी साफ साफ महागठबंधन में दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के ऐन वक्त तक पार्टियां सीटों के बंटवारे में ही उलझी रह जाएं और बीजेपी के लिए झारखंड कप केक साबित हो। ऐसे में अगर ये मामला कुछ दिनों तक और उलझा रहा तो फिर झारखंड में नए सियासी समीकरण देखने को मिल सकते हैं।